कवरेज मिला ब्रिटेन में और पत्रकारों का सामना किया। मोदी तो मतलब खरीदे हुए पत्रकारों का भी सामना नहीं करते। क्या शिवराज सिंह चौहान इसका जवाब देंगे या भारतीय जनता पार्टी के वो पाले हुए चैनल जवाब देंगे या पाले हुए गीदड़ हुआ हुआ करेश ध्रुव का काम प्रधानमंत्री मोदी ने नहीं किया था। शिवराज क्या इनडायरेक्टली पीएम मोदी को बता रहे हैं देशद्रोही, फालतू में बयानबाजी दे डाली और बयानबाजी के चक्कर में पूरी पोल खुल गई मामा जी की, और मामा जी की बहुत ज्यादा ट्रोलिंग भी हुई और साथ में जो है पोल सोल सब खुल गई। बड़े में आप पटाखा छोड़ा है वो इस तरह से बिलबिला रहे सारे के सारे नेता, चाहे असम के इंपोर्ट किए गए नेता कांग्रेस से हो या कोई भी नेता हो, सबको बलबली मची हुई है। लेकिन इसी चक्कर में जो थे फंस गए हमारे शिवराज सिंह चौहान मामा, यार जिनका मैं भी प्रशंसक हूं। दोस्तों नमस्कार, संडे का प्राइम टाइम मत भूलिएगा क्योंकि संडे के दिन जो है सूर्य देव भारतीय जनता पार्टी से नाराज हो गए। भाई उन्हीं की भाषा में बात कर रहा हूं, जब देवताओं की बात चल रही है, ज्ञान बापी मस्जिद की बात चल रही है, हिंदू मुस्लिम की बात चल रही है, जहां एक व्यक्ति हिंदू व्यक्ति को जैन व्यक्ति को खान होने के आरोप में मार दिया जाता है पीट पीट करके भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, नहीं भारतीय जनता पार्टी की नहीं मतलब उनके एक नेता के द्वारा ये आरोप सोशल मीडिया पर लगाए जा रहे हैं। लेकिन यहाँ कहानी दूसरी चल रही है, राहुल गांधी ने जो पिछवाड़े में आप पटाखा छोड़ा है वो इस तरह से बिलबिला रहे सारे के सारे नेता, चाहे असम के इंपोर्ट किए गए नेता कांग्रेस से हो या कोई भी नेता हो, सबको बलबली मची हुई है। लेकिन इसी चक्कर में जो थे फंस गए हमारे शिवराज सिंह चौहान मामा, यार जिनका मैं भी प्रशंसक हूँ, फालतू में बयानबाजी दे डाली और बयानबाजी के चक्कर में पूरी पोल खुल गई मामा जी की, और मामा जी की बहुत ज्यादा ट्रोलिंग भी हुई और साथ में जो है पोल सोल सब खुल गई। मामा जी ने क्या कहा? मामा जी ने यह कहा, राहुल गांधी देश के सबसे असफल कुंठित हताश और निराश नेता हैं। विदेशी धरती पर जाकर कोई देशभक्त नेता राहुल गांधी की तरह देश विरोधी बयान नहीं देता, अब देश में कोई उनकी सुनता ही नहीं है, इसलिए अपनी निराशा हताशा अब विदेश में निकाल रहे हैं। जैसे कि विदेशों को पता ना हो, विदेश की रैंकिंग आती है कि सरकार इतने सूचकांक पर आ गई भुखमरी में, राशन खत्म करने वाले हो यार आप लोग, और मतलब महंगाई में इतने इंडेक्स पे आ गए, कर्जे में इतने इंडेक्स पे आ गए, पता नहीं कितने लाखों ट्रिलियन करोड़ जो है कर्जा देश के ऊपर है। लेकिन बेशर्मी की हद होती है, और बेशर्मी की हद में जब ये बयान आता है तो जो है सोशल मीडिया पर जवाब देने वाले पत्रकारों की, जो जनता के पत्रकार हैं उनकी जो है मतलब शुरू हो जाती है सवाल जवाब शिवराज साहब से। और शिवराज साहब ने क्या वीडियो डाला था ये सुनवाना चाहूंगा पहले। 1 2 3 राहुल गांधी देश के सबसे असफल कुंठित हताश और निराश नेता हैं। विदेशी धरती पर जाकर कोई देशभक्त नेता राहुल गांधी की तरह बयान नहीं देता देश विरोधी बयान, केरोसिन छिड़क दिया है, अब देश में उनकी कोई सुनता नहीं है, इसलिए अपनी निराशा और हताशा विदेश में निकाल रहे हैं। ये बयान देके राहुल गांधी ने अपनी देशभक्ति और राष्ट्रनिष्ठा पर ही प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है। जब श्री मनमोहन सिंह भारत के प्रधानमंत्री थे, मैं यूएसए की यात्रा पे था, मुझसे एक सवाल पूछा था वहां के पत्रकारों ने कि क्या भारत के प्राइम मिनिस्टर अंडर अचीवर है। मैंने कहा वो कांग्रेस के नहीं भारत के प्रधानमंत्री है, और भारत का प्रधानमंत्री कभी भी अंडर अचीवर नहीं हो सकता। हमने कभी भी विदेश में जाके देश की आलोचना नहीं की, लेकिन एक कुंठित व्यक्ति से, हताश और निराश व्यक्ति से और क्या अपेक्षा की जा सकती है। आश्चर्य है इसी नेता को कांग्रेस के कुछ नेता कांग्रेस के अध्यक्ष बनाने की मुहिम चलाए हुए हैं, फिर तो कांग्रेस का भगवान ही मालिक है।
ये वीडियो देख लिया होगा तो शिवराज मामा के मुंह पर एक व्यक्ति ने जो है तमाचा मार दिया, मामा मामा ये देखो विदेश में खड़े होकर के ये मंच से क्या बोल रहे हैं मोदी जी, मोदी जी एक प्रधानमंत्री के बारे में बोल रहे हैं। तब क्या राष्ट्रद्रोह का काम और देशद्रोह का काम प्रधानमंत्री मोदी ने नहीं किया था? शिवराज क्या इनडायरेक्टली पीएम मोदी को बता रहे हैं देशद्रोही? भाई नेताओं का अंदाज अलग होता है। ये तो माना कि शिवराज सिंह प्रधानमंत्री बनने की कतार में सबसे आगे थे, लेकिन जिस तरह से आडवाणी और पुराने नेताओं को पीछे किया गया, शिवराज साहब केवल एक सूबे के मात्र मुख्यमंत्री बन के रह गए। लेकिन शिवराज अच्छे प्रधानमंत्री साबित होते, लेकिन मोदी जी तो केवल अदानी के ही प्रधानमंत्री हैं, बीजेपी के भी नहीं है। और हाँ, ये उन्होंने बोला कि प्रधानमंत्री के बारे में ऐसा बोला वैसा बोला, जबकि मोदी जी ने खुद ऐसा बोला। ये वीडियो भी आप देख लीजिए। आप किया हिंदुस्तान में पैदा हुए, ये कोई देश है? ये कोई सरकार है? ये कोई लोग है? चलो छोड़ो, चले जाए कहीं और लोग निकल पड़ते थे। कुछ वर्षों में तो हम ये भी देखते थे, उद्योग जगत के लोग कहते भाई। ये वीडियो भी आपने देख लिया होगा दोस्तों। अब बात करते हैं जो मोदी जी बोल रहे थे। मोदी जी ने ये भी बोला था नोटबंदी के बारे में, विदेशों में जाकर के नोटबंदी हो गई, पैसा नहीं है। तो मजाक, एक प्रधानमंत्री, देश का रेस्पॉन्सिबल प्रधानमंत्री क्या तब देशभक्त नहीं था जो देश के बारे में बात कर रहा था? क्या शिवराज सिंह चौहान इसका जवाब देंगे या भारतीय जनता पार्टी के वो पाले हुए चैनल जवाब देंगे, या पाले हुए गीदड़ हुआ हुआ करेंगे जो नीले सीआर को जगाने की कोशिश करेंगे? शायद नहीं करेंगे, क्योंकि राहुल गांधी में ही सारे ऐप दिख जाते हैं कि भाई राहुल गांधी ने यह बोल दिया। परेशानी इस बात की है कि राहुल गांधी को जिस तरह का कवरेज मिला ब्रिटेन में और पत्रकारों का सामना किया, मोदी तो मतलब खरीदे हुए पत्रकारों का भी सामना नहीं करते। भाई ये डिफरेंस है राहुल गांधी में। मैंने कल भी समझा था, समझ में नहीं आ रहे, आज फिर शिवराज मामा ने पंगा ले लिया। अब इनको जो है लोगों ने जवाब देना शुरू किया। डॉक्टर राकेश पाठक जर्नलिस्ट हैं और वो लिखते हैं, पीयूष जी नोटबंदी के बाद जापान में मोदी जी का भाषण भारत के अपमान की हद थी। मोदी जी ने कहा था घर में बेटी की शादी है, पैसे नहीं है, लोग गंगा में नोट बहा रहे हैं, पूरे देश को चोर, कालाबाजारी और नकली नोटों का जमाखोर कहकर के जो अपमान किया था, तब शिवराज जी का कोई बयान नहीं आया था? जो कि सत्ता में रहते हुए एक प्रधानमंत्री ने पूरे देश को बदनाम किया था कि हमारे देश के लोग इतने बेईमान हैं। चलिए विक्रम सिंह जवाब देते हैं, तथाकथित मामा जी ऐसा क्या बोल दिए राहुल जी जो दुनिया में नहीं जानती? शाखा से बाहर निकल लिए और देश को क्या बना रहे हो? इनकी प्रयोगशाला मध्य प्रदेश क्यों बना हुआ है, इसकी चिंता कीजिए। मामा जी को लफड़ पर लफड़ पड़ रहे थे और उसके बाद तो फिर मामा जी की पर्सनल उपलब्धियों के ऊपर जो थे तीर चलने लगे। शिवपुरी भास्कर में एक न्यूज कटिंग डाली ट्विटर यूजर ने, डॉक्टर सत्येंद्र कुमार बामनैया ने, कि 40 आरोग्य उप स्वास्थ्य केंद्रों में से 20 से अधिक पर लटके ताले, स्वास्थ्य सेवा नहीं है। अब एक बयान सत्येंद्र महावार साहब का आता है जिसमें केंद्रीय नेतृत्व के कहने पर सरकार गिराई, शिवराज कहते हैं। ऑडियो में शिवराज बोलते हैं, तुलसी नहीं जीते तो मैं मुख्यमंत्री नहीं रहूंगा। ऊपर से सीधे आदेश आ चुके थे। सिंधिया का भी ऑडियो सामने आया था, उनसे पार्षद कह रही है पराशर के कहने पर 50 लाख रुपए रखवा दिए। कमलनाथ ने इस पर हमला किया था कि साजिश से सरकार गिराई गई। दीपक सिंह लिखते हैं, दूसरी पर कमेंट करना सभी को आता है मामा जी, 2018 की शिक्षक भर्ती अभी तक पूरी नहीं हुई है। दूसरे राज्यों में 3 बार शिक्षक भर्ती पूर्ण हो चुकी है। उत्तर प्रदेश सरकार 6 महीने में शिक्षक भर्ती पूर्ण किए और आप 4 साल से अटके पड़े हैं। पहले अपना देखो तब दूसरों पर उंगलियां उठाओ। वाह, मोदी जी के ढोल की और गोल की तस्वीरें भी डाली जाती हैं, लेकिन यहां पर जिस तरह से शिवराज साहब पंगा ले लेते हैं राहुल गांधी के बारे में बोल करके, वो उन्हीं की उपलब्धियों पर सवाल उठा देते हैं। मामा जी, आप एक सज्जन, लोकतंत्र को जानने वाले मुख्यमंत्री हो मध्य प्रदेश के,
बीजेपी के कारण आपको वोट नहीं मिलते, आपकी अपनी एक अलग छवि है, उसके कारण बीजेपी को आप जिताते हो, मुख्यमंत्री आप रहे इसीलिए आपको मध्य प्रदेश में वोट मिलते हैं, चाहे तो आप सर्वे करा लीजिए। लेकिन मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री केंद्रीय नेतृत्व के कहने पर बयान दे तो ये आपकी कमजोरी है। क्या आप सफल नेता नहीं हो? क्या आपने अपना मान सम्मान नहीं कमाया जो किसी के कहने पर किसी भी नेता के बारे में आप बयान दे दोगे? चलो आप बयान दो, लेकिन मोदी जी ने जो बयान दिया और जो लोग सवाल आपसे कर रहे हैं उन पर आप क्या बोलोगे? उन पर भी जवाब दो ना। मोदी जी ने एक प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के बारे में क्या बोला है? कैसा देश है, छी 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 छी। जो देश से नफरत कर रहा है वही देश का प्रधानमंत्री बन जाता है और उसी की साइड लेते हुए उसको भी गद्दार बोल दो ना। अगर राहुल गांधी गद्दार है तो मोदी भी गद्दार है। बोल के दिखाओ एक बार सही बात, सच बोल के दिखाओ, गांधी के तिरंगे के पीछे मत छुपो। शिवराज साहब आज तो आप फंस गए, और राहुल गांधी ने जो दावा किया था वो भी सच आपने साबित कर दिया। मानना पड़ेगा राहुल गांधी की उस पॉलिटिक्स को जिसके आगे आप सब फेल हो गए, चाहे असम के मुख्यमंत्री हों, चाहे बीजेपी के बड़े बड़े नेता हों, उन्होंने साबित कर दिया कि राहुल गांधी विदेशी मीडिया का सामना कर सकता है और मोदी खरीदे हुए पत्रकारों का भी सामना नहीं कर सकते। है ना दुख की बात, है ना जलालत की बात, है ना करामात की बात, है ना शर्म की बात। जय हिंद दोस्तों। वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट करना मत भूलिएगा। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, आता रहूंगा। लेकिन हाँ यार, शेयर करना मत भूलिएगा, कमेंट करना मत भूलिएगा। शिवराज मामा के इस व्यवहार पर जितना भी अपना एक्सप्रेशन निकाल सकते हो, आज की रात आपके लिए है, आप आजाद हो दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।